नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात में लगातार छठवीं बार खिला कमल, हिमाचल भी फतह, गोरखपुर में भी भाजपा की जीत की गूंज। किडनैपर से मिलकर दरोगा मांग रहा था फिरौती, पुलिस ने दो SI सहित किडनैपर को किया गिरफ्तार। गोरखपुर महोत्सव के समापन के दिन उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त ने व्यापारियों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कांग्रेस पार्टी ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पीपा पुल पर हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की जांच की मांग। कमिश्नरी में अपना पक्ष रखने आए अधेड़ उम्र के 2 सगे भाइयों की हुई पिटाई। गोरखपुर महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी आकर्षक पुरस्कार से होंगे सम्मानित। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 19 दिसंबर को महानगर पहुंचेंगे राज्यपाल राम नाईक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह का हुआ रिहर्सल, CDO ने किया दीक्षा भवन का निरीक्षण। विकास भवन में आयोजित समारोह में अल्पसंख्यकों को दी गई उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी। 23 दिसंबर को चारगांव में आयोजित होगा किसान सम्मान दिवस और बाप ने बेटे की लाश दुबई से मंगवाने के लिए भारत सरकार से लगाई गुहार, 13 दिनों से दुबई के हॉस्पिटल में पड़ा है शव। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। इस जीत पर भाजपा देश भर में जश्न मना रही है। महानगर के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में भी भाजपाइयों का जश्न देखने को मिला। यहां भी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते नजर आए। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारी जीत की बधाइयां दी। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री शिव कुमार पाठक ने कहा कि यह जीत पार्टी की नहीं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता की जीत है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने वहां की जनता को काफी बरगलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए। वहीं गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र सिन्हा ने कहा कि गुजरात और हिमाचल की जनता ने विकास मॉडल पर मुहर लगाकर विरोधियों को चुप करा दिया है। पार्टी के जीत की खुशी मनाते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुई भारी जीत ने वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम को सिद्ध कर दिया है। Thank you.
ये जो राज्यों के जो परिणाम आए, इन परिणामों से ये साबित हो गया है कि मोदी जी का जो विकास का कदम है उसको लोगों ने स्वीकार किया है। मोदी जी के विकास और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ये परिणाम है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये बहुत खुशी की बात है। 2014 में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया था कि इस देश का विकास और भला तभी हो सकता है जब भारत से कांग्रेस मुक्त भारत कल्पना को लेकर के जो उन्होंने ये अपनी यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की ये अगले कदम है। देखा जाए तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें 10 से ज्यादा सीट कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। जीत जीत होती है, 10 और 15 का मतलब नहीं है। 22 साल से जहाँ सरकार थी वहाँ एक बार फिर से उस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय मोदी जी पर विश्वास किया है और गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता भी वहाँ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनकी। पिछले बार से कम सीट हुआ, क्या बीजेपी कोई चूक मान लगी या मंथन करेगी इस पर? अब ये तो आगे का विषय है, जब परिणाम आ जाएगा उसका विश्लेषण किया जाएगा। आज तो खुशी मनाने की बात है, मिठाई खाने की बात है, आपको भी भाई मिठाई खिलाएगी। पटक जी, पहले जनता ने, गुजरात की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में विकास का जो सोच है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का केवल विकास और विकास, उसने मुहर लगाया है और विरोधियों को चुप करा दिया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 22 वर्षों से गुजरात में हमारी सरकार थी और वहाँ पे हमने गुजरात मॉडल के आधार पर वहाँ पे विकास किया था, उस मॉडल को हमने पूरे देश में भी लगाया था और आज वो वहाँ पे इस बार 6ठी बार सरकार हमारी बनने जा रही है। ये इस बात की द्योतक है कि हमारी नीतियों में जनता ने मुहर लगाया हुआ है। ये जीत पूरी तरीके से हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके कुशल नेतृत्व और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित भाई शाह जी, उनका कुशल संगठनात्मक जो क्षमता है उसकी जीत है। हम लोग इस जीत पे पूरे देशवासियों को, गुजरातवासियों को शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। हम लोग स्वयं भी प्रसन्न हैं आने वाले दिनों में जो भी और जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं वो भी कांग्रेस मुक्त होंगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा और गांव गरीब मजदूरों से जो चिंता मोदी सरकार कर रही है वो अनवरत जारी रहेगा और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, जीतेगा और आंदा बदल होता रहता है और उससे ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मोदी जी का कहीं भी किसी प्रकार का आप ये समझिए कि उनके रूप में कहीं कोई कमी नहीं रही और जनता ने उसे स्वीकार किया और 2019 में भी हम निश्चित तौर पर भारत सरकार फिर वापस आकर और सरकार बनाएगी। किडनैपर से मिलकर छात्र की रिहाई के लिए 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे गोरखपुर के उरवा थाने में तैनात 2 दरोगा सहित 1 अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैंट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के गोपालगंज के एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को उसका दोस्त अफजल धोखे से गोरखपुर लाया और उरवा थाने पर तैनात अपने परिचित 2 दरोगा रघुनंदन तिवारी और अभिजीत कुमार से उनसे संपर्क कर उन्हें अपनी साजिश में शामिल कर लिया। इसके बाद छात्र की रिहाई के नाम पर उसके परिवारजनों से फिरौती मांगी जाने लगी। छात्र के परिजनों ने छात्र के अपहरण और उसके रिहाई के लिए फिरौती मांगे जाने की सूचना एसपी ग्रामीण और एसएसपी को दी। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के आदेश के बाद पुलिस ने किडनैपिंग के आरोपी अफजल सहित 2 दरोगाओं को अरेस्ट कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। अपहरित छात्र ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि दोनों दरोगाओं ने उन्हें मारा पीटा और उनके घर वालों से फिरौती की मांग की। छात्र ने बताया, और हमारे मोबाइल पर फोन आ रहा था 11 बजे मैट्रिक में पढ़ता है। अच्छा, 8वीं में नहीं, मैट्रिक मैट्रिक हाँ ठीक, और एहसान सेकेंड ईयर है, 12वीं में था। हाँ अच्छा, स्कूल का नाम इनके क्या है? कोचिंग करता था। स्कूल का नाम बाबा जलालपुर है, बाबा नाम से जलालपुर है, लेकिन गोपालगंज में रख कोचिंग करता था।
अच्छा जलालपुर में विद्यालय उनका कि जलालपुर नमो है बाबा 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 का स्कूल है जलालपुर। अच्छा वहाँ पढ़ता लेकिन कोचिंग गोपाल रह के करता है और ये भी कोचिंग करता है क्या अफजल अफजल से एक बार हमको मुलाकात हुआ था शाम के टाइम बोले कि कौन है या तो सेफ्टी इंजीनियर का कोर्स करता है। अच्छा अच्छा एक चीज़ हमको बताइए कि आपका भतीजा जब चला तो बाइक लेकर चला था क्या आपके भतीजा के पास बाइक थी? नहीं बाइक भतीजे के नहीं थी अफजल ने बैठा के लाया। अच्छा बाइक अफजल ने किसी बाइक से भतीजे को बैठा के लाया अफजल ही बाइक पर बैठा के लाया था। अच्छा पहले भी आया था क्या भतीजा आपका गोरखपुर? नहीं कभी नहीं। यहाँ आपकी कहाँ है रिश्तेदारी? गोरखपुर में गोरखपुर में रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा गोरखपुर में हमारे भैया के साथ ही लोग हैं कुछ। अच्छा। लोग पहुँच गए। हाँ। भैया हमारे पड़ावना में ड्यूटी करते हैं। हाँ। अच्छा आप लोगों का कारोबार क्या है? हमारा व्यवसाय है छोटा मोटा बीज का दुकान। जानता था क्या आप जबकि आप लोग कारोबारी हैं? जो हमारे साथ भतीजा के साथ में रहा होगा तो बात किया होगा कारोबारी है। अच्छा तो अभी पैसा कुछ दिए नहीं थे? नहीं नहीं पैसा पैसा नहीं। क्या बजे आप गोरखपुर आ गए थे? 8 बजे करीब सुबह में रात में रात कल परसों रात में आज कल 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 कब रात कल संडे की रात जी ये रात में सारी काम हुआ है। रात में रात में सबके पास फोन आ रहा था। हाँ लेकिन कहा बताए अफजल जाग गए लोग काम कर गए लोग तो बहुत बड़ा कोई काम करते हैं। पहले पे इसको साफ इंजीनियरिंग का कोई काम करता है पढ़ता है या कुछ करता है? चलिए ठीक है कोचिंग पढ़ता है कोचिंग करता है गोपाल रह करके। वो पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो नहीं कर रहा ना है ये सेफ्टी की 16-17 ही बताया 16-17 समथिंग है। थोड़ा और आगे आओगे तू और हटा दी पीछे जा पीछे थोड़ा सा बस बस अरे सर हमको एंगल चेक करने दो ना यार क्या आप रहने दीजिए। हां यहां ला कर सामने देखो सामने इधर देखो बेटा देखो इशारा कर दिया हम हमको गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ से। हाँ। गिरफ्तार करके उड़ुआ बाजार में एक रूम में ले बंद कर दिया गया। हाँ। रूम में बंद करने के बाद वहाँ मारने पीटने की धमकी देकर 2,80,000 रुपया मांग रहे थे। हमको यहाँ 10 बजे उठाया 1 बजे वहाँ लेकर बंद किया इधर उधर घुमा रहे। बेटा कौन बंद किया था तुमको? दोनों बड़ा बाबू। कौन बड़ा बाबू? एगो रघुनंदन त्रिपाठी थे एक रवि प्रकाश अमरजीत कुमार। ये लोग कौन है? बड़ा आदमी है। हाँ बड़ा बाबू है लोग दरोगा। हाँ क्या कह रहे थे बताओ बेटा जल्दी से। ये हमको मतलब बोल रहे थे कि 2,80,000 रुपये मंगाओ 2,80,000 रुपये मंगाओ और उसके बाद तुमको यहाँ से छोड़ेंगे लोग इधर उधर लेकर भाग रहे थे। तो हाँ हमको 9 बजे रात में यहाँ से लाए लोग गोरखपुर में फिर एक दिन 12 बजे रात में यहाँ से गोरखपुर से लेकर गए थाने में तो फिर वहाँ से हम आए 3 बजे यहाँ पे। तुम्हारे साथ मारपीट भी किया है? हाँ। कौन मारा है तुमको? दोनों बड़ा बाबू लोग। अच्छा बड़ा बाबू लोग मारा है और क्या किया है बताओ पूरा वाक्या बताओ एकदम डरने की जरूरत नहीं बताओ क्या क्या हुआ? हम की तरह बोल रहे थे कि इधर बिक देंगे मारपीट उधर बिक देंगे। हाँ क्या कह रहे थे? इधर मार कर बिक देंगे उधर मोबाइल के। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर हमको मतलब लेकर आए इधर उधर केवल गाड़ियों में घुमा रहे थे लोग कोई मेरा मोबाइल ले लिए लो मोबाइल लेकर लोकेशन अच्छा बता रहे थे लेकर मोबाइल रख लिए लो अपने साथ मोबाइल नहीं दे रहे थे लोकेशन बताने के लिए। तुम्हारे घर पे किसने फोन किया? वही फोन किया अब जब। हाँ क्या बोला? बोला कि 2,80,000 रुपये मंगाओ तब यहाँ से जाओ। अच्छा वही दरोगा जी के सामने बोला? हाँ दरोगा जी बोले। अच्छा ठीक है भैया जनता की नियुक्ति करा दीजिए ना अपने यहाँ ऐसा है स्वतंत्र चेतना अखबार में कला जैकेट वाले बनाओ। हाँ ये रुक नहीं हट यार पैसा मांगे तो मजा आता है। अरे आओ घसकते हो आगे पीछे हो जाएगा। देखिए
सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग है, उरवा बाजार थाना पड़ता है गोरखपुर में, वहाँ पे कार्यरत थे अभी। और जो प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसकी जांच करने पे इन दोनों के खिलाफ आरोप की पुष्टि हुई, इसके तहत मुकदमा लिखा गया है और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति को जो जाँच में पता चला कि अपहरण करके फिरौती की मांग की जा रही थी कल, और उसी के दौरान एक आम पब्लिक को भी पकड़ा गया है जो इनके साथ संलिप्त था, और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। गोरखपुर महोत्सव के समापन पर 13 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह जानकारी गोरखपुर महोत्सव के अध्यक्ष व मंडलायुक्त अनिल कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य, शिक्षा क्षेत्र, पत्रकारिता, खेल, पर्यटन, संस्कृति, लोक कला, हस्तशिल्प, साहित्य आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसका विवरण 7 दिनों में महोत्सव समिति के अध्यक्ष या सचिव और क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी कार्यालय में किसी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव 11, 12 और 13 जनवरी 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसमें ट्रेड फेयर में जिले के उद्यमियों, विभागों एवं व्यापारियों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, साथ ही कृषि प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। ये बातें महोत्सव के अध्यक्ष व मंडलायुक्त अनिल कुमार ने जिले के उद्यमियों और व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव के दौरान काफी संख्या में लोग बाहर से इसमें भाग लेने आएंगे, इससे उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने अपील किया कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि वे महोत्सव की अच्छी यादों को लेकर घर जाएं। आयुक्त ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजपुरी नाइट्स, बॉलीवुड नाइट, योगा, खेलकूद प्रतियोगिताएं, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम, स्मारिका का प्रकाशन आदि कार्यक्रम शामिल किया गया है। इसके तुरंत बाद खिचड़ी मेला गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होगा। इस दौरान काफी लोग बाहर से आएंगे, इसलिए महोत्सव में आयोजित मेला प्रदर्शनी में उच्च स्तर का कार्यक्रम एवं स्टॉल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम नगर के सभी प्रवेश द्वारों पर आकर्षक गेट लगाएगा, पूरे शहर में साफ सफाई कराएगा और सभी चौराहों को भी साफ किया जाएगा। बैठक में जवाहर जायसवाल, योगेंद्र दुबे, सत्यप्रकाश सिंह, बैजनाथ जायसवाल, राजेश, सुरेश कुमार, नवीन अग्रवाल सहित व्यापारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कमहरिया घाट स्थित पीपा पुल पर 15 दिसंबर को हुए 3 लोगों की मौत और कार्य के दौरान लगातार हो रहे विद्युत कर्मियों की मौत के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को मंडलायुक्त से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री तलत अजीज, राकेश चंद यादव, प्रदीप कुमार राव, हाजी अनवर जमाल, नंदलाल अग्रहरी सहित कई पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, भैया थोड़ा सा और क्लोज हो जाइए, नज़दीक हो जाएंगे तो उधर मत फैलिए और नज़दीक पीछे चले जाइए, पीछे आएंगे बीच 2 लोगों के बीच में आ जाइए। हाँ, ये कमरिया घाट पर पीपा पुल में जो दुर्घटना हुई है, ये मतलब ये मेंटेनेंस की कमी, ये सरकारी कमी की वजह से 3 जवान लाशें जो जलाई गई हैं, उसका कष्ट हम लोगों को बहुत है। और ये इस सरकार में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से एकदम जीरो है, जिसकी वजह से ये आज 3 लोग मारे गए हैं। इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब से एक तो जांच की वो करते हैं कि कैसे इस तरह से पीपे का पुल रहा कि जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, और जो कड़ी से कड़ी सजा दें और इन लोगों को मुआवजा भी है ना।
गोरखपुर कमिश्नरी कचहरी में सोमवार को कुछ लोगों ने अधेड़ उम्र के दो सगे भाइयों की पिटाई कर दी। दोनों भाई किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए कमिश्नर कार्यालय के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों के पास जा पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने गुस्साई भीड़ को समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों भाइयों को कैंट पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ घंटों बाद तहरीर के अभाव में कैंट पुलिस ने दोनों भाइयों को हिदायत देकर छोड़ दिया। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए कुशीनगर के रहने वाले पीड़ित सरधन चौबे और दीनानाथ चौबे ने बताया कि वह कोटेदार द्वारा किए जा रहे धांधली के विरोध में अपना पक्ष रखने आए थे। इसी दौरान उन पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। रुक जाइए भैया, तनी हम लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था। यही है कि हम लोग एप्लीकेशन देने आए हैं, ये लोग मारना शुरू कर दिए। कौन लोग मार रहे हैं? वही ऑफिस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न चौबे है। कहाँ के हैं? हम लोग ग्राम मांडर आके रहने वाले हैं। यहाँ किस लिए आए थे? कोटा के संबंध में सर कार्रवाई था, फर्जी उसको करके ये लोग उसको कर दिए थे। अच्छा। और तो करके बाहर रहे हैं। कहाँ ले जा रही है पुलिस? हमको कुछ पता नहीं है, पुलिस बैठा रही है, कहाँ ले जा रही है तो हमको बाद में पता। चौबे कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम मांडर आए, विकास खंड रामकोला, तहसील कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर से आया हूँ। वो कौन है आपके जिनके साथ? मेरे भाई हैं। अच्छा, क्यों आज सुबह यहाँ क्यों आए थे, किस वजह से? मैं सुबह आया था अपनी पक्ष रखने के लिए। कैसा पक्ष है ये? मैं कोटे का मामला था, मैं कोटे का शिकायत किया था, कोटा यहाँ आया था, साहब वहाँ से कोटा बहाल कर दिया गया। हमने साहब को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था कि साहब हमारा भी सुन लिया जाए, आप तो बहाल कर दिए, सिर्फ मेरा पक्ष सुन लिया जाए। मैं अपने भी सबूत के साथ पहुँचा ले करके कि मैं दिखाऊँगा। और मैं ज्यों ही अदालत में बहुत सुबह से आकर के बैठा था, पूछा साहब आए मेरे साथ, मुझे देख रहे हैं मैं विकलांग हूँ। क्या हुआ था वहाँ, क्या हुआ था? कोटा निरस्त हो चुका था, मैं कोटे के विरोध में पैरवी कर रहा था। गांव में जांच हुआ, सारे साक्ष मेरे पास आए थे, जरूर पढ़ने पर मैं सब दिखाऊंगा। कोटा किसका था? कोटेदार का था, गांव के दूसरे कोटेदार। तो उसी के पक्ष में आए थे? नहीं, हम कोटेदार के विरोध में। अच्छा, हम कोटेदार का विरोध कर रहे थे। किन लोगों द्वारा मारा पीटा गया सर? अब सर मैं पहचाना तो नहीं, उनके ऑफिस के सामने लोग थे। अब कौन लोग थे? मैं तो वहाँ से आया हूँ, यहाँ के लोगों को नहीं मैं पहचान सकता कौन लोग थे, लेकिन मुझे बेरहमी से मेरी दशा देख लीजिए, मैं विकलांग हूँ, मैं भी चल भी नहीं सकता, मेरे मैं कौन गुंडा हूँ, आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से देख रहे हैं, मेरा सत्यापन करा लीजिए, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा, मैं गुंडा ही या कुछ ऐसा, मैं सार्वजनिक काम के लिए आया था। हालांकि इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री के पटल पर आज रखी गई है, आयुक्त के सामने भी रखी गई है, सचिव के सामने भी रखी गई है, और मैं सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए आ गया था। अगर मेरा पक्ष सुने, मुझे घुसने नहीं दिया गया, और कौन लोग थे? गोरखपुर महोत्सव में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल के साथ साथ हाफ मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये बातें गोरखपुर महोत्सव के अध्यक्ष व मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मंडलायुक्त सभागार में खेल कूद संगठन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि समिति खेल कूद आयोजन में हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इन सभी खेलों के लिए खिलाड़ी या टीमें क्षेत्रीय स्पोर्ट स्टेडियम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिसके लिए कार्यालय या संबंधित खेल के कोच से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में क्षेत्रीय खेल कूद अधिकारी एके पांडे, नोडल उप निदेशक बचत वैजनाथ मिश्रा, खेल संगठन के अनुरेश शाही, रंजीत श्रीवास्तव, सुधीर कुमार सिंह, अजय राय, दिनेश सिंह, संजीत प्रधान, अजेंद्र राय उपस्थित रहे।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आला अधिकारियों की ओर से समय समय पर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन का निरीक्षण भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक सम्मिलित होंगे। इसी के मद्देनजर सोमवार को CDO अनुज सिंह ने अपने महत्वों के साथ मंगलवार को होने वाले दीक्षांत समारोह के स्थल का निरीक्षण किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और प्रशासन इस आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2017 की स्नातकोत्तर मनोविज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, स्नातकोत्तर कला संकाय के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, प्रोफेसर लाल बचन त्रिपाठी स्मृति स्वर्ण पदक, त्रिपाठी स्मृति स्वर्ण पदक, पूजा सिंह को वर्ष 2017 की स्नातकोत्तर संस्कृत परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, श्री गोवर्धन दास माननीय राज्यपाल महोदय जी का कार्यक्रम है दीक्षांत समारोह में आ रहे, और उसे तो हमारे यहाँ के जिले के सीनियर आला अधिकारी जितने भी हैं और पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने इसका निरीक्षण किया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, यूनिवर्सिटी द्वारा भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए। विकास भवन के सभा कक्ष में सोमवार को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्य ऋषि कुमार, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अश्वनी कुमार, शहर काजी वजीरुल्लाह सहित जनपद के विभिन्न मदरसों के प्रधानाचार्य, अध्यापक सहित सिख, बौद्ध, जैन और मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। इस दौरान शहर काजी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों की विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। और बहुत सी जो पढ़ाई नहीं जाती, इनकी पढ़ाई का क्या नजर है? अंजुमन इस्लामिया ने इसकी तरफ तवज्जो दी और उनके लिए किताबें दी, उनके लिए गद्दे लिहाज दिए, उनके लिए रहने के ठिकाने दिए, उनको खाना दिया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महीना सवा महीने के बाद उनकी माएँ रोती हुई आ रही हैं कि मौलाना साहब, बबुआ कबाड़ बीनता था तो हमको कुछ पैसे मिल जाते थे तो रोटी चलती थी, बबुआ यहाँ आकर के पढ़ने लगा है, हम महल्ले वालों ने 2-4-6-10 दिन तो हमको रोटी दिया है, अब कोई सहारा नहीं दे रहा है। उनके सहारे के लिए, उनकी तालीम के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। बहरहाल हम तो दौड़े, मसाजिद के अंदर बुनियादें कायम की गई, बहरहाल कुछ तो कामयाब ही है, लेकिन सरकार की तरफ से, कल्याण अधिकारी की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं है, बल्कि उन पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं कि ये बच्चे आखिर हमारे रजिस्टर्ड मदरसों में क्यों नहीं आते हैं। रजिस्टर्ड मदरसों के अंदर आलम यह है कि अगर कोई टीचर चला गया तो उसकी जगह पर नियुक्ति दूसरे की करना मुश्किल हो जाती है। और मेरा मसला भाई, दरख्त से गिरा हुआ पत्ता खाली पेड़ को देख करके कहता है काश कि इस पेड़ की तरक्की होती रहे, हम तो नीचे जा चुके हैं। इसलिए हम वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, हम इस तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे कि उन मदारिस की तरफ भी निगाह रखी जाए जो मसाजिद में चलाए जा रहे हैं, उन मदारिस की तरफ भी निगाह रखी जाए जो रजिस्टर होने से बिल करके वो आए भी, कहीं से कुछ पैसे मांग करके वो लाए भी, तो उसके बाद फिर मालूम ये हुआ कि इंक्वायरी के चक्कर में, इसके चक्कर में, या लोगों के शराफत और नजाबत के सिलसिले में जो कुछ बातें हैं उसकी वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया है। ऐसी मजबूरी के तहत में इंक्वायरी वाजे की जाए और इंक्वायरी करने वालों को भी देखा जाए कि वो किस रुख से निकल करके आए हैं। तो खुद ही DM साहब तशरीफ लाई में, कप्तान साहब भी चले गए 11:30 बजे और पुलिस की गाड़ी जब सब आ गए, महल्ले वाले बहल गए कि मौलाना साहब आज पकड़ के जा रहे हैं। बात क्या हुई? हुआ ये कि DM साहब ने आते ही पहले पूछा कि आप फैसले कैसे करते हैं, 20 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर, महीने के अंदर आपका फैसला हो जाता, हमारे यहाँ 20 साल चलते हैं। तो मैंने किया था, तो वो मुस्लिम प्रशासन का बात है, यही है कि वो जो रूल एंड रेगुलेशन यहाँ कोर्ट में चलता है
कि मुद्दे ने दावा किया, वो दावा की कापी मुद्दालय के पास भेज दी जाती है, मुद्दालय ने जो जवाब दिया वो मुद्दे के पास भेज दिया जाता है, उसके बाद गवाहन कर लिया जाता है। फैसले के लिए वो नजीर ढूंढी जाती है, जिस नजीर पर ये केस जा रहा है, और वो नजीर का फैसला कर दिया जाता है। इसलिए दरमियान में कहा क्या ये है कि जूरी ने गवाहान को सुनने के बाद ये फैसला किया, तो जूरी जहाँ से निकली हुई, जिस पेड़ से निकली हुई है, उसी पेड़ की तो खासियत उसी पेड़ के शक्ल सूरत लेकर के आएगी। तो जजेज हजरात को जितना भी प्राकुश है, तो हमारी तरफ तवज्जो की जाए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा, यह जानकारी जिलाधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर सर्वाधिक उत्पादकता वाले कृषि एवं सहयोगी विभाग द्वारा चयनित किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही जनपद स्तरीय रवि गोष्ठी किसान मेला प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। ये दोनों कार्यक्रम राजकीय कृषि विद्यालय चारगावा प्रांगण में आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि कृषि गोष्ठी में किसानों को नई तकनीकी की जानकारी दिया जाएगा तथा उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि भारी संख्या में प्रदर्शनी में आकर योजनाओं का लाभ उठाएं। खोराबार थाना अंतर्गत रायगंज के निवासी रामलखन निषाद का बेटा पिछले कई वर्षों से दुबई में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मौत के 13 दिनों के बाद भी वहां की सरकार उसकी लाश भारत सरकार को नहीं सौंप रही है। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन मृतक अक्षय कुमार के पिता रामलखन निषाद ने किया। इस बारे में उन्होंने बताया, रायगंज कोई टोला ग्राम थाना गोराबाग जिला गोरखपुर के निवासी हैं। हमारा लड़का दुबई में रहता है और 8-9 साल से रह रहा था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश के 5 लोग थे और ये अकेले अपने उत्तर प्रदेश के थे, और वहाँ वाद विवाद हुआ, मोबाइल लोग छोड़ने लगे, उसके बाद सब लोग मिलकर मारने लगे, और हमारा बच्चा जो है हार्ट का मरीज था, दोनों वाल उसका बदला गया था, और वहाँ ये दुबई में ऑपरेशन हुआ है, और मारपीट होने के कारण उनको घाव लग गया, और पुलिस को बुलाए, मार खाने के बाद पुलिस इनको भी ले गई और उन दोनों को ले गए, तो जेल के अंदर 2-3 के बाद मर गए दुबई में ही, दुबई के अंदर जेल के अंदर, और उसके बाद वो दोनों आदमी बंद है, 3 यहाँ बचे हैं, इसका नाम नसैया है और प्रसाद है और लिंगम नाम है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी मिट्टी यहाँ आ जा और हम लोग सरकार उसका कर लें, और मोदी जी के पास हम लोग केस का काम किए हैं, कागज भेज दिए हैं, मुख्यमंत्री के पास भेजे हैं, सुषमा स्वराज के पास भेज दिए हैं। मरे कितना दिन हो गया? 3 या 4 तारीख को मरे हैं, और लाश वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, बंद है। चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में लगातार छठवीं बार खिला कमल, हिमाचल भी फतह, गोरखपुर में भी भाजपा की जीत की गूंज। किडनैपर से मिलकर दरोगा मांग रहा था फिरौती, पुलिस ने 2 SI सहित किडनैपर को किया गिरफ्तार। गोरखपुर महोत्सव के समापन के दिन उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त ने व्यापारियों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कांग्रेस पार्टी ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पीपा पुल पर हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की जांच की मांग। कमिश्नरी में अपना पक्ष रखने आए अधेड़ उम्र के 2 सगे भाइयों की हुई पिटाई। गोरखपुर महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी आकर्षक पुरस्कार से होंगे सम्मानित। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 19 दिसंबर को महानगर पहुंचेंगे राज्यपाल राम नाईक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह का हुआ रिहर्सल, CDO ने किया दीक्षा भवन का निरीक्षण।
विकास भवन में आयोजित समारोह में अल्पसंख्यकों को दी गई उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी। 23 दिसंबर को चारगांव में आयोजित होगा किसान सम्मान दिवस और बाप ने बेटे की लाश दुबई से मंगवाने के लिए भारत सरकार से लगाई गुहार। 13 दिनों से दुबई के हॉस्पिटल में पड़ा है शव। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।